हेलो फ्रेंड्स, मुमताज किचन में आपका स्वागत है। तो आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही यम्मी यम्मी रायता, जो सभी घर वालों को पसंद आने वाला है। बेहद मज़ेदार जायके वाला रायता। चलिए तो बनाना स्टार्ट करते हैं। तो हमने यहाँ पर 500 ग्राम दही लिया है, और दही ज़्यादा खट्टा नहीं होना चाहिए। और हमने यहाँ पर 2 पैकेट बूंदी के लिए हैं। बूंदी को हमने यहाँ पर भिगो के रख दिया है। देखो बूंदी अच्छे से फूल गई है। यहाँ पर हमने थोड़े से बादाम लिए हैं, थोड़े से काजू लिए हैं, थोड़ा सा सूखा नारियल लिया है, थोड़ी सी किशमिश ली है, और यहाँ पर कुछ हमने फ्रूट्स लिए हैं, थोड़े से अंगूर, 1 अनार, 1 केला लिया है। इनको हमने छोटा छोटा काट लिया है। चलिए तो अब बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम दही में 1 कप जितना पानी डाल देंगे और दही को यहाँ पर अच्छे से फेंट लेंगे। हमें दही को ज़्यादा पतला नहीं करना है, ये रायता गाढ़ी दही का ही अच्छा लगता है। थोड़ा सा पानी और डालेंगे हम इसमें, फिर से हम इसको फेंट लेंगे। चलिए तो अब हम इसमें मसाले डालेंगे। तो 1/2 चम्मच हमने काली मिर्च पाउडर लिया है, 1 चम्मच हमने काला नमक लिया है, 1 चम्मच हमने भुना हुआ जीरा लिया है। और 1 चम्मच हमने चाट मसाला लिया है। और अब हम इसमें बूरा डालेंगे, ये मीठा होता है बूरा। हमने यहाँ पर 3 चम्मच बूरा लिया है, इससे हमारा खट्टा मीठा टेस्ट बन जाएगा इसका, रायते का। चलिए तो इनको अच्छे से फेंट लेंगे, मिक्स कर लेंगे मसालों को। अब हम इसमें ड्राई फ्रूट डालेंगे, थोड़े से बादाम डालेंगे, थोड़े से नारियल डालेंगे, थोड़ी सी किशमिश डाल देंगे, बाकी हमने गार्निश के लिए बचा लिया है। अब हम फ्रूट डाल देंगे, अंगूर डाल देंगे, केले डाल देंगे, अनार डाल देंगे, थोड़े से हम गार्निश के लिए बचा लेते हैं। चलिए मैं आपको सर्व करके दिखाती हूँ। यहाँ पर हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो हाँ, बूंदी भी तो डालनी है, सॉरी मैं भूल गई थी। तो अब हम इसमें बूंदी डाल देंगे। चलिए तो अब हम इसकी गार्निश कर देते हैं रायते की। तो बादाम, किशमिश, नारियल, इससे हम अच्छे से सजा देंगे। अब हम इसमें अनार, अंगूर ये सब डाल देंगे। आप इस रायते को कभी भी बना सकते हो, पार्टी में, कोई त्यौहार हो, या फिर कभी भी आप इसको बना सकते हो। कोई गेस्ट आते हैं घर पे, ये बहुत अच्छा लगता है, और जो भी इसको खाएगा एक बार वो याद करेगा, वो बार बार बनाने को कहेगा कि हमें यही रायता चाहिए, यही रायता चाहिए। अगर आपको मेरा ये रायता बनाने का तरीका अच्छा लगा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना,
लाइक करना, शेयर करना और कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको ये रायता कैसा लगा। बाय बाय।